जब बात फिटनेस और स्वास्थ्य की हो तो ग्रीन टी के बेनिफिट्स को नकारा नहीं जा सकता है। ग्रीन टी सेहत के प्रति सजग लोगों में खासी पसंद की जाती है। हेलो एंड वेलकम टू हेल्थ केयर टिप्स। आज के इस वीडियो में मैं आपको ग्रीन टी के कई सारे बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरे एंड तक देखिए ताकि आपको ग्रीन टी के फायदे के बारे में पता चल सके। और अगर आप ग्रीन टी नहीं पीते हैं तो आप भी ग्रीन टी पीना शुरू कर दें। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे मेरे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बताते हैं उसके क्या क्या फ़ायदे हैं। तो वज़न कम करने में ग्रीन टी के बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। अब रोज़ाना अगर ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो आपके वज़न कम होने लगेंगे और साथ ही साथ जो आपकी चर्बी है वो भी घटने लगेगी। दूसरा है, मुंह के स्वास्थ्य के लिए ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। आपके जो मुंह का जो स्वास्थ्य होता है उसके लिए आपको ग्रीन टी का सेवन प्रतिदिन करना पड़ता है। मधुमेह के लिए ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। जिन लोगों का डायबिटीज़ है वो ग्रीन टी का सेवन करें, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होगा। ग्रीन टी का सेवन से आपकी डायबिटीज़ कम होने लगेगी। कोलेस्ट्रॉल जिनका बढ़ा हुआ रहता है वो लोग के लिए भी ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, उन्हें भी ग्रीन टी का सेवन करना चाहिए। पेट या पाचन संबंधित जितनी भी आपकी समस्या है उनके लिए भी ग्रीन टी का सेवन करना लाभकारी होता है। आपके पेट से रिलेटेड जो भी आपकी परेशानी है, पाचन संबंधित जो भी आपकी दिक्कतें, अगर आप कुछ है तो आप ग्रीन टी का सेवन कीजिए, वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ हड्डियों के लिए भी फायदेमंद है ग्रीन टी का सेवन करना। अगर आपके जो फ्रैक्चर्स वगैरह है होते हैं तो ग्रीन टी का आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब ग्रीन टी का आप सेवन करेंगे तो आपके जो फ्रैक्चर होने के जो खतरा होता है वो कम हो जाएगा। इसके बाद है कि आपका अगर अल्जाइमर का प्रॉब्लम है तो वो भी कम होता है ग्रीन टी से। कैंसर के पेशेंट है तो भी आप ग्रीन टी का सेवन कीजिए, उससे आपका कैंसर का जो भी चांसेस होता है, कैंसर थोड़ा नॉर्मल पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता बट हाँ थोड़ा कम होता है। साथ ही साथ अगर आपका ब्लड प्रेशर हाई रहता है तो आप ग्रीन टी का सेवन कीजिए। ग्रीन टी का सेवन करने से ब्लड प्रेशर जो है वो कम होता है। उसके अलावा ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को सुधारता है, आपका इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करता है, तो आपको ग्रीन टी का सेवन प्रतिदिन ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा है कि मस्तिष्क के लिए ग्रीन टी का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे आपकी जितनी भी चिंता होती है वो चली जाती है। ग्रीन टी का सेवन बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह का तनाव है तो आप ग्रीन टी ज़रूर पीजिए। ग्रीन टी से आपके जितने भी तनाव, जितनी भी चिंता है, स्ट्रेस आपके जो भी है वो सारे चले जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं त्वचा के लिए। त्वचा के लिए भी क्या होता है, ग्रीन टी का सेवन करना बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है। इससे आपके जो स्किन का ट्यूमर होने के चांसेस होते हैं वो भी कम हो जाता है, और साथ ही साथ जो रोम छिद्र होते हैं ग्रीन टी को सेवन करने से वो भी खुल जाता है। तो इस तरह से आपकी त्वचा के लिए भी फायदेमंद होता है ग्रीन टी का सेवन करना। उसके अलावा दांतों के लिए भी ग्रीन टी का सेवन करना फायदेमंद होता है। इससे क्या होता है, दांतों में कीड़ा लगने का चांसेस जो होता है वो कम हो जाता है। इनफैक्ट कीड़ा लगने से आप बच सकते हैं अगर आप ग्रीन टी का सेवन करेंगे तो। इसके अलावा बालों के लिए भी फायदेमंद है ग्रीन टी का सेवन करना। ग्रीन टी का सेवन से आपके जो बाल झड़ना कम हो जाते हैं, तो आपको प्रतिदिन ग्रीन टी का सेवन जरूर करना चाहिए। साथ ही ग्रीन टी पीने से आप अच्छी तरह से नींद ले सकते हैं, आपको अच्छी नींद आएगी ग्रीन टी का सेवन करने से। इसके अलावा आपके जो हृदय है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है ग्रीन टी का सेवन करना। आपको कोई भी तरह का हृदय रोग से बचाता है ग्रीन टी, तो आप ग्रीन टी का आपको प्रतिदिन सेवन करना चाहिए। साथ ही लंबी उम्र के लिए भी ग्रीन टी बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद होता है, बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। जैसे कि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करता है, हड्डियों की समस्या को भी दूर करता है, फिर कैंसर के लिए भी अच्छा होता है, डायबिटीज जैसी कई सारी बीमारियों से बचाव के लिए सहायक होता है, जिससे आपको लंबी उम्र तक जीने के लिए मदद मिलेगी। तो ये था 18 फायदे जो आपको रोज़ाना ग्रीन टी पीने से मिलता है। लेकिन ये याद रखिएगा, ध्यान रखिएगा कि ज़्यादा सेवन करना नुकसानदायक होता है, तो आप ग्रीन टी का ज़्यादा सेवन ना करें। उसका एक नियमित रूप से लिमिट में इस्तेमाल करें, क्योंकि कोई भी चीज़ का आप ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो वो हानिकारक होता है। तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये जानकारी को शेयर ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक यू।